दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है। इससे ज़्यादा बिहार एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी जिनको बाहर किया गया है वो भी परेशान है। आज क्या बात हुआ है और जो अभ्यर्थी परेशान है उनका क्या कहना है, इसमें CSBC जो अपना बात रख रहा है उसे कैसे टाल रहा है, ये भी हम बात करेंगे। जो बात हुआ है उससे क्या निकल कर आया है और जो अभ्यर्थी CSBC गए थे उनके साथ CSBC का बर्ताव क्या था और कैसे बात किया गया है, ये भी आपके सामने रखने वाले हैं। क्योंकि ये मामला जो है ये NCL का, EWS और वैसे अभ्यर्थियों से है जो गरीब घर से आते हैं। अगर उनके पास सब चीज़ भी है, अगर CSBC कुछ गलती करता है तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट केस होगा और वहाँ से जीत कर आप आइएगा, तब जाकर आपका भर्ती में फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपके पास सभी चीज़ सही होते हैं और लास्ट में ये चीज़ के लिए आपको बाहर किया जाता है तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सबसे पहले, ठीक, मैं हाथ में लेकर मोबाइल ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी जानकारी मिला है सबसे पहले उसको आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि सर जो NCL वाला मामला है वो क्या है और उस पर क्या आयोग कह रहा है। देखिए, NCL का मामले पर साफ आयोग का यही कहना है कि आप नया मत दीजिए, यानी फॉर्म भरने के डेट के बाद मत दीजिए, उससे पहले का हमको NCL चाहिए, यानी फॉर्म भरने के पहले का NCL चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बकायदा फॉर्म भी निकाला था जिसे स्व प्रमाणित करना था, उसके बाद आपका उससे पहले का आपके पास NCL होगा यानी पुराना NCL होगा तो उसके साथ उसको कॉपी को पिंच करना था और दोबारा ले जाकर जमा करना था पिंच कर। अब ये चीज़ है कि आपके मन में आ रहा होगा कि ये पुराना वाला और नया वाला क्या मामला है। देखिए, NCL जब भी बनता है सेम आपको प्रोसेस होता है जो कि EWS जो बनता है, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है EWS से। जो भी BC और EBC वाले कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं का NCL बनता है। अदर स्टेट वाले भी बार बार पूछते हैं कि सर जी हम लोग का क्या लगेगा। आप लोगों का कुछ ना लगेगा, आप लोगों का वहाँ के जहाँ है जहाँ के होने का आपको ये पहचान लगेगा। और अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ जरूरत होता नहीं डॉक्यूमेंट्स का, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, लाइक 10th का और इंटरमीडिएट का। बाकी आधार कार्ड लगेगा आपका, पहचान तो लगना ही चाहिए। और आपको आरक्षण की सुविधा नहीं लेता मिलता है अदर स्टेट वाले के, इसलिए आरक्षण वाला चीज़ आपको नहीं लगता है। चलिए फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी पूछ रहे थे और एक दो कमेंट आया था ये आपको जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर जी SC ST के भी बारे में आप बात कीजिए, सिर्फ आपको EBC और BC और AWS भैया प्रॉब्लम पर बात किया जा रहा है कि ये कोई शौक नहीं है बात करने का। लड़के हजारों कॉल कर रहे हैं, इसके चलते मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और उनको उम्मीद है कि यहीं से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। तो SC ST वाले आपको क्या जरूरत है, आप बस फॉर्म भरते हैं, आपका पहले से कोई ना कोई सर्टिफिकेट होगा SC ST के, क्योंकि आप आते हैं SC ST में, आपको पैसा वाला थोड़े ना कोई सर्टिफिकेट बनाना है। देखो, NCL जो हो गया एक तरफ से ये हो गया कि आप अमीर है कि गरीब है सामान्य भाषा में, EWS भी वही हो गया कि आपको अमीर है कि गरीब है। अगर अमीर है तो आपको नहीं मिलेगा आरक्षण, गरीब है तो आपको आरक्षण मिलेगा, बस इसे। SC ST में ये कोई मामला नहीं है। तो SC ST वाले आप लोग घबराइए मत और ये मत बोलिए कि हम लोगों के लिए भी सर जी कुछ कीजिए और वीडियो बनाइए। अब आपका प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपके लिए क्या वीडियो बनाए, ठीक। अब बात रहा कि जो OBC के जो बिहार में BC और EBC है, देखो पुराना का क्यों एक्सेप्ट कर ले रहा है, पुराना का इसलिए कि 2013 में ही एक आपको नियम निकाला गया था कि NCL बार बार और हमेशा नहीं बनाए जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में भी कुछ प्रॉब्लम आया था तो उसको इस्तेमाल करते हुए स्वयं से एफिडेविट आता है, एक फॉर्म देगा CSBC ही देगा और उस पर आपको फॉर्म भरना है और जो NCL वाला होगा उसका कॉपी लगा देना है। अब कहिएगा सर जी ये तो प्रोसेस जो होगा एग्जाम के बाद ही होगा, वही तो तुमको समझाने की बात कर रहे हैं। जब भी बात किया जा रहा है तो बात कर रहा है कि अभी हम इस पर क्यों बात करें, अभी तो इसके एग्जाम ही नहीं हुआ है, अभी इसका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ना ये आपको बात करने में आएगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाए। तो मैंने बोला कि ये तो प्रोविजन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ और उनको तो बाहर कर दिया गया, उनका कोई प्रॉब्लम सुना नहीं गया है। तो बोले कि वो जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो हमारे हिसाब से नहीं वैध है और बाकी वो कोर्ट जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, उसके लिए कोर्ट खुला हुआ है, हम लोग भी देख लेंगे। देखो बात यहां पर क्या है ना, अकड़ की बात आ गया है, बात अब समूल रूप से सुधार की बात आ गया है। अब कहोगे सर जी ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं ना कि उनके पास तो वकील का पूरा ग्रुप है, आपके पास वकील करना पड़ेगा, आप पैसा जुटाओगे तब वकील करोगे और केस जीतोगे कि नहीं जीतोगे, ये वकील भी कितना पैसा पटना में खा जाता है आप देखेंगे। एस वाला जो मामला चल रहा है उसे टाला जा रहा है। तो ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी वकीलों को, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आयोग ही सब काम कर सकता है तो इधर उधर लड़के को क्यों परेशान करना। कहने का मतलब जो आज लड़का एक गया था तो उसको बोला गया आयोग की तरफ से कि आपका सब इस चीज़ सही है, मुझे जो वो जानकारी दिया, मुझसे वो जो बात हुआ उस बात को मैं आयोग के सामने नहीं उछाला इस बात के लिए लेकर कि फिर उस बारे में एक और बात हमको पता चला है, वो मैं बात में आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा। वो बात अगर किया तो बोला कि देखो तुम्हारा सब चीज़ सही है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा और कोर्ट से आपको डिसीजन लेकर आना पड़ेगा, तब हम लोग आपका बहाली करेंगे, यानी आपको एक ज्वाइनिंग दिलाएंगे प्रोविजन वाला में। अब ये समझिए कि सब चीज़ ठीक होने के बाद भी क्या ऐसा चीज़ किया जाता है,
और क्या ये बात में कितना सच्चाई है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चेयरमैन को हर दिन ऑफिस में बैठना चाहिए, और जो भी लड़के के लिए बनाया गया है ये आपको आयोग, तो लड़के का प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कभी चेयरमैन है नहीं है, ओएसडी साहब आकर जवाब तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तरीके से नहीं दे रहे हैं, कोई को पता ही नहीं है कि आर्थिक जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का वर्ष क्या होता है। उनके कहने का मतलब कि है, ये सिंपल सी बात सुन लो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी, आपसे कब से ईडब्ल्यूएस आपको मांग रहा है सुन लो पहले, अब है कि नहीं है मैं नहीं जानता, आपसे जो मांगा जा रहा है वो सुन लो। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था 4 महीना 5 महीना पहले आपको, जब फॉर्म आने वाला था, कि भैया देख लो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, और नहीं है तो सर्च कर लो, तुम लोग स्टडी मोड डालो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 21391 डालना, तुमको एक निकल कर आ जाएगा 20 मिनट का वीडियो, एक एक मैंने चीज़ उसमें बताया, अदर स्टेट वाले बीसी ईबीसी सभी के बारे में बताया, फ्रीडम फाइटर कि आपको चाहिए क्या डॉक्यूमेंट्स में, और नहीं बनवाओगे तो बाद में जाकर दिक्कत फेस करना पड़ेगा, और आज देख लो तुम लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा। बहुत से लड़के बोल रहे कि सर जी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाइए, क्योंकि उनके पास सब चीज़ है, और वो नए लड़के जो फंस जा रहे हैं इसमें, जो नए नए बनवा रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। फाइनल रूप से आप पर जवाबदेही तय होगा, क्योंकि कैंडिडेट आप हैं, हम नहीं कैंडिडेट हैं, और हम तो जितना बात कर सकते थे उतना बात करते हैं और करेंगे भी आगे भी, जो भी जरूरत होगा आप लोगों का। बट मेरे से ये चीज जो आप एक्सपेक्ट रख रहे हैं कि हम वहां पर जाएं और एक कैंडिडेट बनकर बात करें, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले भी जान चुका है हम कैंडिडेट हैं नहीं, ठीक। और जो चीज़ के भी एग्जाम ही नहीं हुआ है उसके लिए वो तो बात करने के भी लिए तैयार नहीं है। बस इतना ही कह रहे हैं कि हमको जो चाहिए, जैसे कि लास्ट डेट जो है और 1 अप्रैल के बीच में चाहिए, यानी कि जब भी फर्जी, जैसे प्रोविजन वाला में क्या मांगा गया था कि जो लास्ट नवंबर तक आपको था, यानी कि वो फॉर्म आया था, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर हमको लास्ट नवंबर तक के चाहिए, ये चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस वो बनेगा तो अपने आप ही उसका वित्तीय वर्ष 1 साल पहले चल जाएगा, लेकिन आपको लास्ट डेट के बाद में अगर नया लाकर आप जमा करते हैं तो उस पर हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इस पर एक सवाल और दागा गया उनसे कि आप ठीक है, आप ये बताइए तो पिछले भर्ती के बारे में आपका क्या कहना है, पिछले भर्ती में तो नया नया हर चीज ले लिया गया है। तो उन्होंने बोला कि पिछले भर्ती में ऐसा कोई निर्देश नहीं था, लेकिन अब कोर्ट का निर्देश आ चुका है कि इसको कड़े से आपको फॉलो किया जाए, और इसी चलते देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह निर्देश दे चुका है, हाईकोर्ट भी, इसे फॉलो किया जाए। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जाकर कहीं से जीत जाएंगे, वो ये दिमाग में बिठा रही है कि हम लोग भी वहां पर हारने वाले नहीं है। एक तो बात एकदम सही है, क्योंकि उन लोगों के पास वकीलों का फौज होता है, ठीक। वकीलों का फौज के कारण मतलब सरकारी पैसा से वकील है, एक हम लोग को पैसा लगाना पड़ेगा अगर कोई केस लड़ने जा रहे हैं, तो उनके पास पहले से पैसा है, तो हम लोग के पास अगर ऑथेंटिक उतना एविडेंस नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से अपने बात को नहीं रख पाएंगे, तो समझो कि वो केस हारना ही हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, लाखों बर्बाद हो जाता है पैसा, जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूं, लाखों लोग ठगे जाते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि सीएसबीसी पर केस नहीं चल रहा है, अभी 2-3 दिन केस अभी चल रहा है, अभी एज वाला भी एक केस चल रहा है, लेकिन क्या होता है लास्ट में, पूछना किसी से अगर कोई केस किया है सीएसबीसी से, वो आपको हकीकत सब चीज़ बता देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक रहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ को देखते हूँ और काफ़ी लड़के मिलते भी हैं। तो ये चीज़ है, आपके पास जो ईबीसी हैं और आपको बीसी वाले जो नए वाले अभ्यर्थी हैं, और जो ईडब्ल्यूएस वाले नए वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि पुराने वाले जो भी हैं, जो भी आप ईबीसी और बीसी वाले जो फॉर्म से पहले वाले, उनका तो हो जाएगा, उनको आपको अगर थोड़ा और पुराना होगा तो उनके एक फॉर्म भरने के लिए देगा, उसके साथ आप संलग्न कर सकते हैं, जिसे आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट में दिया था, हो जाएगा। बट बात यहाँ है कि जिनको नहीं पता था एनसीएल होता क्या है, और एनसीएल में फॉर्म भरते समय उन्होंने टिक लगा दिया, तो वो कह रहा है कि जब ईडब्ल्यूएस में आप टिक लगाएं या फॉर्म भरते समय या एनसीएल जो भी आप फॉर्म भरते समय ये बताएं, तो हम तो जान रहे थे ना, हम तो यही बोलेंगे ना कि आपके पास सभी सर्टिफिकेट होगा तभी आप टिक लगा रहे हैं, उनका भी बात सही है, लेकिन हम लोग बोले कि वो आपका फॉर्मेट कुछ है नहीं, जो फॉर्मेट आप जारी कर देते कितना जितना, तो वो लड़के समझ जाते, क्योंकि लड़के तो उतना है नहीं कि पूरा विद्वान ही आ रहे हैं इसमें, पूरा एकदम यूपीएससी वाले कैंडिडेट आ रहे हैं कि हर चीज़ को उनको एक एक चीज़ पता होगा, अब यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट कहीं कहीं भटक जाते हैं। तो बोले कि देखिए हम लोग जो निकालना था हम लोग निकाल लिए, आप लोग को जो बात बनाना है बात करना है वो कीजिए, एक ही इसका सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। देखो मैं पहले भी बताया था ईडब्ल्यूएस में भी वही सोल्यूशन लिखा हुआ है, और बीसी और ईबीसी वाले के भी जो फाइनल जो अधिनियम आया था उसमें एक ही सोल्यूशन लिखा गया है, जो नए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो बहुत पुराने वाले ईडब्ल्यूएस हैं जिनका नहीं वैल्यू हो पाएगा। देखो ईडब्ल्यूएस कब से कब चेक करेगा, फिर से सुन लो हमारा, 1 अप्रैल 2023 है उससे लेके जो लास्ट डेट था 21391 भर्ती का, उस समय तक आपके बीच में आपके ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, अगर नया बनवाए हो या उससे पुराना है और उस डेट में नहीं है तब पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर साथ उन लोगों को दिया करो जो इसके लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि अभी प्रोविजन डिपार्टमेंट वाले लड़ रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, और ईबीसी और बीसी वाले, वो कह रहे हैं कि हमारा अगला भर्ती भी इससे प्रभावित हो जाएगा ना, बात उनका कहने का एकदम सही है, अगर ये प्रभावित हो रहा है तो अगला भर्ती भी प्रभावित होगा।
तो अगला भर्ती में किसका होगा किसका नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है और सोल्यूशन पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो है सरकार के पास अपने बात पहुँचाना और सरकार से ही अपने बात मनवाना। सरकार के पास हमेशा एक विकल्प रहता है कि आप इस स्थिति में इस समय तक आप ये नियम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का बस एक ही ड्यूटी है, आप लोगों का एक ड्यूटी है, कोशिश करो आप लोग अपना पहुँच बनाओ या आप लोग मिलो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री तक कम से कम आपको, क्योंकि गृह विभाग भी आपको मुख्यमंत्री के पास है। अगर उनके द्वारा निर्देश दे दिया गया तो समझो कि फिर तो प्रॉब्लम खत्म। अगर नहीं निर्देश दिया गया तो CSBC अपना काम करते रहेगा, उस काम पर आप कोई भी दावादारी नहीं ठोक सकते हो। अभी चुनाव का माहौल है तो ऐसा चीज़ है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है, लोकसभा का चुनाव है। अगर उससे पहले एग्जाम ले लेता है तो ये भी देखना है कि रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, और उसके बाद भी विधानसभा का चुनाव है तो ऐसा है नहीं कि दबाव नहीं बनाया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ बोल रहा हूँ, देखो इसे निगेटिव में मत लेना, क्योंकि बहुत से लड़के निगेटिव में लेंगे, बहुत से लड़के ये सोचेंगे कि हमारा कंपटीशन हल्का हो जाएगा। देखो हल्का हो जाएगा लेकिन तुम भी एक ना एक दिन प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, और जब पड़ोगे ना तो तुम यही चीज़ याद करोगे कि उस समय मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता तो आज वो भी हमारे साथ खड़ा रहते और आज हमारे साथ कंधा से कंधा लगाकर ये लड़ाई लड़ते। बात यहाँ पर देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जब एक चीज़ के लिए कोई मनमानी रवैया अपना सकता है तो ये कभी कह सकते हो कि अगले चीज़ के लिए ना अपना सकता है, अगले चीज़ के लिए भी वो मनमानी रवैया अपना सकता है। इस बात को आप लोग भली भांति याद रखिएगा, ठीक, अगले चीज़ के लिए भी, अगले डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको मनमानी कर सकता है। तो आपको ये समूल आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, और पहले जो हुआ है वैसे ही एक साल और हो जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे तो देखो आयोग अपने स्तर पर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, आप भी अपने स्तर पर जो बोल रहे हो सही ही बोल रहे हो, लेकिन गलती तो आप ही लोगों का है, श्योर एकदम जान लो। क्योंकि जब भी आप टिक लगाते हो कोई भी फॉर्म भरते समय तो ये माना जाता है कि वो चीज़ अब पास हो या उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तभी आप, जैसे कि मैट्रिक आप पास कर दिए, इंटरमीडिएट पास कर दिए तभी तो आप फॉर्म भरते हो बिहार पुलिस का, तो आप इंटरमीडिएट का हर चीज़ डालते हो। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि वो फॉर्मेट जो है ना वो लड़कों को नहीं समझा पाया CSBC, या मुझे लगता है कि समझाने का मूड ही नहीं था। अगर ऐसा होगा तो बहुत से सीट खाली रह जाएगा और ये सही नहीं होगा। अगर इतना बड़ा भर्ती है तो इसमें ज़रूर कुछ होना चाहिए, और मुझे लगता है, मुझे होप हमेशा रखता है और हमेशा तैयार रहते हैं, मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों के साथ न्याय होगा और वो न्याय आप लोगों के पक्ष में ही होगा जब भी होगा, ठीक। क्योंकि ये बात हर जगह पहुंचेगा और हर जगह पहुंचाने का काम आपका भी है हमारा भी है, और ये मुझे लगता है कि न्याय आपको मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो ही जाकर कुछ ना कुछ होगा, वो अभी हो या उस समय हो। अभी इसलिए बात ये लोग नहीं सुन रहे, उस पर बात इसलिए नहीं कर रहे, बोल रहे कि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, अभी हम किस पर बात करें आपका, अभी क्या हम कर सकते हैं, अभी किस पर बात करें। मैं जान रहा हूँ ये गोल गोल घुमा रहे हैं, जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर बोलेंगे तो एग्जाम हो गया है, अब किस पर आप बात कर रहे हैं, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो ज्वाइनिंग हो गया, अब किस पर बात कर रहे हैं, अब तो हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो हम लोगों को हर तत्पर तरीके से तैयार रहना होगा, और इस बात में पढ़ाई में भी मन लगाकर पढ़ाई करना होगा, सभी सही होगा, सबका साथ लिया जाएगा, और जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक आदमी जाएगा, सबका साथ लेगा और सबका साथ लिया जाएगा, तभी कुछ ना कुछ काम होगा। कुछ वीडियो लंबा हो गया, फिर समय बता देता हूँ, अदर स्टेट वाले के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना जो लड़की है, जैसे कि अपने बिहार की लड़की है और अदर स्टेट में शादी हो गया या किसी से शादी हो गया है, सो जो भी आरक्षण के लाभ मिलता है वो पापा के नाम से मिलता है, तो जो भी बनेगा अपने पापा के नाम से बनेगा, ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। SC ST के लिए सिर्फ SC ST का सर्टिफिकेट लगता है, जो कि कभी आप लगा सकते हो, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, ठीक। आपका उच्च, ये आपको नॉन क्रिमिनल नहीं बनता है, नॉन क्रिमिनलर ABC और BC के लिए बनता है, फिर से ध्यान में रखना। और फॉर्म भरने से पहले वाला आपका मान्य होता है, जो EWS है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो ये अभी लड़ाई चल रहा है नए वाले जो EWS है, और आपको NCL वाले जिनके पास नहीं है या नया है उनके लिए चल रहा है, ठीक। आप लोग यूनिटी बनाकर रखना, मेरे स्तर से जो भी हो रहा है मैं करने की कोशिश किया और आप लोगों के पास न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश किया, अभी बात ही नहीं सुन रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अभी चेयरमैन भी नहीं थे, ठीक, और जो लड़का गया उसके साथ भी सेम यही हुआ कि आप जाइए कोर्ट से ही जो भी करना है कर लीजिए, हम लोग से आप यहाँ पर कुछ ना कीजिए, एक तो बात करने का भी तमीज़ उन लोगों को नहीं है, ठीक। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।